राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, जैसे कि दशहरा वाले दिन लास्ट ब्लॉग था मेरा, फिर 2 दिन कोई ब्लॉग नहीं बनाया और आज है मंडे। तो हर हर महादेव आप सभी को। और सुबह के मेरे काम सारे हो चुके हैं और मैं नहा भी ली हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। अभी बाल बाल धोए थे मैंने, तो वो अभी गीले हैं, तो मैंने ना ऐसे ही खोल रखे हैं। जब किचन में जाऊँगी ना तो ऊपर को कर लूँगी, क्योंकि बहुत डर रहता है ना किचन में जाने में कि कहीं कोई बाल ना गिर जाए। और आजकल हमारे बाल वैसे भी बहुत झड़ते हैं, बहुत हल्के हो गए हैं, देखो पूरा ना सर दिखाई देता है। तो बहुत हल्के बाल हो रहे हैं, झड़ते रहते हैं वो, तो इसलिए ना मुझे ऊपर ही करने पड़ते हैं गीले बाल भी। तो 2 दिन कोई ब्लॉग नहीं बना, तो मैंने सोचा आज शुरू कर देते हैं अपना ब्लॉग, क्योंकि मंडे है। और देखिए घर के खाना पीना जैसे मैं तैयार कर चुकी हूँ, दाल वगैरह बना ली है, अरहर की दाल बनाई थी आज, और बाकी दाल तो बना दी है, बाकी थोड़ा बहुत जो काम है वो अब कर लूँगी जाके। तो दूध वगैरह गर्म करना है और आटा वाटा लगाऊँगी, थोड़ा सा आटा मतलब लगा के, और रोटियाँ बनेंगी। बाकी दाल ना मैंने पहले ही रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि बच्चे नहाते हैं ना, इतनी देर में थोड़ा सा काम मैं कर देती हूँ, फ्री नहीं रहती। मैंने कहा क्योंकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है फिर नहाने के बाद में ना, जो काम रह जाता है हम बाद में कर लेते हैं, तो इसलिए ना जैसे बर्तन होते हैं, चाय वगैरह के बर्तन होते हैं, मैं सब कुछ पहले कर देती हूँ नहाने से पहले, क्योंकि फ्री भी बैठ के क्या फ़ायदा। के काम बाद में फिर एक्स्ट्रा हो जाता है हमारा, तो इसलिए इतना सब मैं काम कर चुकी हूँ और अब थोड़ा बहुत काम अब करूँगी जो भी रह गया है। अभी दूध गर्म नहीं किया है, जैसे कि वो मैं बाद में ही करती हूँ। आज तो आया भी लेट, दूध बहुत लेट आया क्योंकि बारिश हो रही थी, फिर मैंने बारिश में ही थोड़ा सा डोलची दी है, बराबर में से ही आता है, तब वो बच्चा बारिश में ही दे के गया आज दूध। और आज इतनी बारिश हो रही है, भयंकर वाली बारिश हुई है रात में, और कल से हो रही है, जैसे कि कल दोपहर से बारिश हो रही है और रात में भी पूरी रात हुई, और लाइट भी नहीं पता कब से नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं पता रात को, क्योंकि मैं सो गई थी, वो मतलब सोने के बाद में मुझे पता ही नहीं चला लाइट कब से नहीं है। तो अभी लाइट भी नहीं आई है, क्योंकि 10 बजे यहाँ लाइट आ जाती है सुबह को, और 10 बजे के अभी नहीं आई है, 10 से 10:30 हो रहा है शायद, अब 10:30 का टाइम हो रहा है, तो अभी नहीं आई है। और पता नहीं अभी आएगी भी कि नहीं आएगी, कुछ नहीं पता, क्योंकि बारिश अभी भी फ़िलहाल भी बहुत तेज़ हो रही है। थोड़ी सी दिखाऊंगी आप लोगों को ना, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और सुबह से तो इतनी तेज़ हो रही थी कि बहुत ज़्यादा, मतलब ठंडा हो गया मौसम, जैसे पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि पंखा चला है रात में तो अब बंद कर दिया है, क्योंकि इन्वर्टर इतना नहीं है कि लाइट जल जाए, थोड़ी सी वही बहुत है। तो रात में लाइट नहीं आई, पता नहीं कब से नहीं आई है, तो इसलिए ना पंखा बंद कर रखा है अभी, और बारिश अभी भी हो रही है। तो हमारा व्रत है दोनों का, मेरा और प्रिया का, और बाकी खाना बनेगा। और 2 दिन से इसलिए भी नहीं बनाया था, कुछ प्रांशु की तबीयत ख़राब थी, जैसे कि मैंने नौमी वाले दिन बताया था कि प्रांशु की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो मतलब नौमी की पूजा भी उसने ऐसे ही की थी, मतलब अच्छे से नहीं की, और फिर उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन अब ठीक है वो बिल्कुल, तभी मैंने ब्लॉग शुरू किया है। मैंने कहा अब थोड़ा आराम है उसको, क्योंकि मेरा भी मन नहीं था उसे देख के ना, तो ऐसे ही हो जाता है, तबीयत ठीक नहीं थी। अभी वो भी नहाने गया है, नहा रहा है, मैंने कहा थोड़ा सा नहा ले तो फ्रेश से हो जाती है ना नहाने के बाद में, थोड़ा गुनगुना पानी ले लेगा तो नहा लेगा उससे, और थोड़ा अच्छा सा लगेगा नहाने के बाद में, तो अब ठीक है, उसे आराम है अब पहले से बहुत, क्योंकि कई दिन हो गए, नौमी अष्टमी की रात को तबीयत ख़राब हुई थी उसकी, और अब ना 3-4 दिन हो गए, 4 दिन मतलब तबीयत ख़राब रही उसकी,
क्योंकि दशहरा वाले दिन भी वो थोड़ा बहुत घूमने नहीं गया, जैसे कि दशहरा को होता है ना बच्चों को, कि थोड़ा सा घूमे आए देखे आए, लेकिन वो नहीं गया था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, मैंने बताया भी था वीडियो में। और उसके बाद में फिर ऐसे हो गया, लेकिन अब ठीक है, अब ठीक है। फिर मेरा मन भी नहीं किया बताने का, क्योंकि सबको ना, जैसे कि मैं बता दूं कि तबीयत ख़राब है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने बताया भी नहीं कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है या कुछ बता दो तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब ठीक है, तभी बता रही हूँ मैं, ठीक है। वो अभी नहाने गया है गर्म पानी से, वो भी मैंने कहा थोड़ा गुनगुने पानी से नहा ले तो आराम हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, किचन का काम कर लेते हैं, दूध वूध गर्म करना है और सब कुछ। और हाँ, मैंने दिखाया नहीं, मैंने सूट सिलवा लिया जो बुआ जी ने, बुआ जी को दिया था ना प्रिया ने, वो वाला सूट सिलवा लिया। आज मंडे है, बुआ जी को प्रिया ने नहीं दिया, प्रिया को बुआ जी ने दिया। हाँ, बुआ जी ने प्रिया को दिया था, हाँ शादी में दिया था ना, तो वो मैंने सूट सिलवा लिया, क्योंकि ये सूट कम पहनती है, कॉटन का सूट है तो ये नहीं पहनेगी, तो मैंने कहा मैं ही सिलवा लेती हूँ इसको। और वो सिल गया है, सिल तो पता है उससे पहले सिल गया ना, ये श्राद्ध जो चल रहे थे ना उससे पहले सिल गया था, लेकिन पहना ही नहीं मैंने, मौका ही नहीं मिला। तो लेकिन आज मैंने पहन लिया, मैंने कहा मंडे है और नवरात्रि में फिर साड़ियाँ वगैरह पहन ली मैंने, तो आज मंडे है तो आज मैंने सूट पहन लिया नया वाला जो सिल के ना, और सही है, फिटिंग अच्छी आई है। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताना। तो चलिए अब चलते हैं हम किचन में ना, और किचन में दूध वूध गर्म करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं अपना। चुकी हूँ, दूध गर्म हो गया और दूध आज कम आया है, देखना पता नहीं क्यों, उनकी भैंस ने ना कम दिया होगा दूध, तो आज दूध कम आया है वो, क्योंकि बारिश में देने आई थी तो बता के भी नहीं गई कुछ, तो कोई बात नहीं, कल दे देंगी वो एक्स्ट्रा। और दाल वगैरह मैंने तड़का लगा दिया, काम हो चुका है मेरा। और बाकी अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी, रोटियाँ बनाने के लिए रह गई हैं, तो रोटियाँ बना लेती हूँ और फिर चाय भी बनाऊंगी। चाय बनाऊंगी फिर से, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी व्रत भी जल्दी जल्दी आ जाते हैं मेरे, तो चाय बनाऊंगी दोपहर में, क्योंकि आज तो वैसे भी मौसम हो रहा है अच्छा, तो आज तो प्रिया भी पिएगी। और प्रिया ना चिप्स निकाल के रख गई है अपने लिए, तो बोली मेरे लिए ना खाना बनाने के बाद चिप्स तल देना, तो ये चिप्स निकाल के गई है ना, थोड़ी सी निकाल के रख गई है चिप्स के। आप जब चाय बनाओगी ना अपने लिए तो मेरे लिए चिप्स तल देना, तो चिप्स तलूंगी उसके बाद में, खाना वाना बनाने के बाद में, अभी नहीं, अभी तो काम करूंगी पहले, फिर बर्तन वगैरह सब साफ़ सफाई करके तब करूंगी मैं चाय जब बनाऊंगी, उससे पहले नहीं बनाऊंगी। तो मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, बस रोटी बनाने के लिए रह गई है मेरी, तो रोटियाँ बना लेती हूँ मैं। बनाने के बाद में मैं फिर से कमरे में आ चुकी हूँ, और आज ना बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी, खाना बनाया तो बंद हो गई, और उसके बाद में फिर से शुरू हो गई, और वो भी तेज़ वाली बारिश हो रही है, ऐसे नहीं आ रहा। मैं अभी ना बैक कैमरे से दिखाऊंगी आपको, और
बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी मैंने ना ये बाहर वाली अपनी किवाड़ खोल ली है, तो मैंने कहा अभी आपको बारिश दिखाती हूँ, लेकिन अभी और ये लेटे हुए हैं दोनों के दोनों, एक तो बीमार है अभी प्रांशु की अभी तबीयत ठीक नहीं है, और वो लेटी हुई हैं कि चिप्स तलने के लिए, तो मैं अभी तल के नहीं लाई हूँ, अब जाऊँगी दोबारा से किचन में। मैंने कहा थोड़ी देर अभी रुक जाती हैं, क्योंकि मुझे चाय भी बनानी है और चिप्स भी तलूँगी। तो अभी आपको ना बैक कैमरे से बारिश दिखाती हूँ थोड़ा सा, कैसी बारिश हो रही है हमारे यहाँ और कहाँ कहाँ हो रही है, मुझे बताना कमेंट करके। इतनी ऐसी तेज़ बारिश हो रही है आपके उधर भी, क्योंकि यहाँ तो कल से बंद नहीं हो रही है, कल दोपहर से शुरू हुई है और फिर पूरी रात हुई है, अभी तक लाइट नहीं आई है, जो कि आज मेरे कपड़े भी नहीं धुले, और आज ज़्यादा कपड़े थे तो आज लाइट नहीं आई, तो लाइट आएगी तभी धोऊंगी। मैंने उठा के रख दिए हैं, अभी कपड़े नहीं धोए मैंने, तो मैंने कहा तभी काम करेंगे, क्योंकि कपड़े अगर पड़े रहते ना तो अजीब सा लगता है कि कपड़े नहीं धुले, और धोए इसलिए नहीं कि हाथ से भी धो देती तो सूखने का वो नहीं था, मैंने कहा फिर भी गीले में बदबू सी आ जाती, मैंने कहा चलो बाद में ही धोऊंगी तो कपड़े रख दिए हैं आज मैंने उठा के। और ये ना ये बहुत मतलब अजीब सा लग रहा है मुझे कपड़ों के लिए ना, कि कपड़े मैंने उठा के रख रखे हैं। तो चलिए आपको थोड़ी सी बारिश दिखा देते हैं और फिर चलेंगे किचन में चाय बनाने के लिए, और प्रिया के लिए चिप्स तलूँगी, जो कि मैं भी खाऊँगी जब तलूँगी, तो फिर मैं भी लूँगी उसके चाय के साथ में। तो अभी दिखाती हूँ आपको बारिश, देखिए कैसी बारिश हो रही है ना, अभी फिर भी थोड़ी सी हल्की है, लेकिन सुबह से ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अभी देखो देखो चारों तरफ पानी वानी चल रहे हैं। आप लोगों ने कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मतलब ठीक ठाक हो रही है, और अभी थोड़ी देर ना 10 मिनट पहले तो बहुत तेज़ हो रही थी, बहुत तेज़ वाली, और अभी थोड़ी सी हल्की हो गई है, और बीच बीच में ना हर 10 मिनट बाद मतलब तेज़ हो जाती है और फिर हल्की हो जाती है, तो इसी तरीके से पूरी रात इतनी तेज़ पड़ी है ना, आवाज़ बहुत हो रही थी ऊपर से, तो ऐसी बारिश हो रही है यहाँ पे देखो, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, जो कि पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ रही, और आपको टाइम भी दिख रहा है इस घड़ी में, टाइम हो रहा है 12:15 बज रहे हैं, तो इतना टाइम हुआ है, क्योंकि आज कपड़े भी नहीं धोए तो जल्दी थोड़ा सा फ्री हो गए, क्योंकि कपड़े वगैरह रखते हैं ना तो उसमें बहुत टाइम हो जाता है, और आज पता है आज ज़्यादा भी थे तो इसलिए चलो अब चलती हूँ मैं किचन में, अभी शायद हो सकता है 2-4 मिनट बाद जाऊँ, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी सी ना ये खोल ली है ना, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है बाहर की तरफ देखने में ना, बारिश अच्छी लग रही है तो अभी यहीं बैठूँगी, यहाँ पर ना चाय बनने के लिए रख दी है मैंने किचन में आके, तो चाय में सब कुछ डाल दिया, दूध भी डाल दिया, तो बस उबलने के लिए रह गई है, और बाकी इधर रख दिया है मैंने घी गरम होने के लिए, और इसमें तलूंगी मैं अपनी चिप्स, तो एक निकाल देती हूँ मैं गाय के लिए, इधर रख दूंगी गाय के लिए, और बाकी मैं चाय बना के ला चुकी हूँ कमरे में, और चिप्स भी तल के ला चुकी हूँ, और प्रिया बैठ के चिप्स खा रही हैं, चाय पी रही हैं, तो आप लोग भी पी लीजिए हमारे साथ में चाय, और मौसम भी हो रहा है चाय का, और आपके यहाँ भी अगर बारिश हो रही है ना तो चाय बना के ज़रूर पीना दोपहर में। और अब टाइम हो गया 1 बज रहा है, 1 बजे मैं चाय बना के लाई हूँ, तो अब हम लोग चाय पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए हमारे साथ।
तो अभी ना शाम का टाइम हो रहा है और शाम की पूजा हो चुकी है, जैसे कि दीपक जलाना हुआ, पूजा करनी होती है ना, वो मैंने कर ली है और खाना पीना भी तैयार करके रख दिया है। जैसे कि आज व्रत है तो भोग लगाना होगा, तो भोग के लिए पराठे बनाऊंगी आलू के, और बाकी थोड़ी सी ना दाल भी रखी हुई थी सुबह की। तो प्रांशु बोला कि थोड़े से मम्मी चावल बना लो, तो थोड़े से चावल बनाऊंगी, तो जिसको पराठा लेना होगा वो पराठा ले लेगा, चावल ले लेंगे, तो खाना पीना हो जाएगा। बनाऊंगी अभी तो 7 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और बारिश, और कल से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी बारिश हो रही है। आप सोचोगे कि सुबह भी बोल रही थी बारिश और अभी भी, तो बारिश हो ही रही है, बंद ही नहीं हुई अभी, और अभी भी मतलब अभी थोड़ी देर के लिए हल्की हो गई है, झरना सा हो रहा है लेकिन बंद नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और अभी कम है। दोपहर में तो बहुत ही तेज़ हुई, बहुत तेज़ वाली बारिश हुई, खूब अच्छी खासी। और देखिए किसानों का मतलब कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इस बारिश से ना, कि देखिए किसानों के इसी टाइम तो कितनी सारी फसल होती है, जैसे कि धान होते हैं, धान की कटाई चल रही है आजकल, और खेतों में मैं जैसे कि सरसों वगैरह बोई जाती है, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, और फिर थोड़ी बहुत पापा से भी बात चलती रहती है ना, क्योंकि पापा का भी नुकसान हो गया है कि धान कटे हुए पड़े थे खेत में, सरसों बोई थी उन्होंने, तो वो भी अब पानी की वजह से ना बेकार ही हो जानी है वो। तो देखिए कितना बड़ा नुकसान है। और बाकी देखो और भी आलू वगैरह की वो चल रही है, आलू गढ़ाई चल रही है ना, जैसे आलू बोए जाते हैं तो वो भी चल रहा है, तो इस समय उसका भी नुकसान। तो और ये हर जगह ही ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि हर जगह ही बारिश हो रही है, और पता है मौसम के टाइम पे नहीं होगी, जब मौसम नहीं चल रहा होगा ना तब बारिश होगी। और इससे क्या होता है कि जैसे कि बारिश होती है ना तो इससे बीमारियां भी इतनी फैलती है, कुछ ना कुछ आजकल घर घर में बुखार और ये सब तो इतना चल रहा है कि बहुत, हर किसी को सुन लो, और हर किसी के ना प्लेट भी, जैसे कि प्लेट गिर जाना वो भी बहुत सुनने में आ रहा है। तो आजकल ये चल ही रहा है मतलब मौसम की वजह से सिर्फ, क्योंकि जो हमारा मौसम है ये बारिश का वो मतलब, क्योंकि इस मौसम में कोई बारिश वारिश नहीं होती है, लेकिन वो ये है आजकल देखो कब से कोरोना टाइम से इतना वो चला रहा है कि कुछ ना कुछ नुकसान होता ही रहता है। और किसानों की तो देखो मतलब शायद 6 महीने बाद ये फसल आती है, कभी 1 साल बाद भी ऐसा होता है कि कुछ फसल ऐसी हैं, तो इतने दिन बाद मेहनत होती है उसके बाद ये बारिश। तो अभी देखो अभी थोड़ी सी हल्की है, और रात में लग रहा है कि रात में भी होगी, क्योंकि मौसम से पता चल रहा है क्योंकि बारिश हो रही है, और मेरा भी थोड़ा सा गला हो रहा है ऐसे ही शायद मौसम की वजह से हो जाता ना कभी कभी, तो देखिए कितना बड़ा लॉस हो रहा है ये मौसम की वजह से, तो इतना बहुत ज़्यादा किसानों का, और देखो हर किसी किसान का, ऐसा नहीं सबका ही नुकसान है, जिनके खेतों में धान कटे हुए पड़े हैं उनके लिए तो देखो कितना सा नुकसान है ना, उनको फिर पता है सुखाया जाएगा, फिर उन्हें निकाला जाएगा, और फिर भी क्या है कि वो अच्छे नहीं निकलेंगे, उसमें क्या होगा कि मतलब वो धान निकलेंगे तो वो काले पड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ मतलब हो ही जाएगा, और कब मौसम खुलेगा तब धूप निकलेगी तब सुखाया जाएगा, तो इस तरह से ना बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, तो बहुत बहुत नुकसान हो रहा है सबका। और जिनकी फसल मतलब निकल चुकी है, जिनके धान निकल चुके हैं उनको फिर भी चलो ठीक है, राहत है कि चलो फसल घर में आ गई, लेकिन जिन लोगों के नहीं निकले हैं ना उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनको तो बहुत ज़्यादा, किसी के कटे हुए पड़े हैं, किसी के काटने के लिए खड़े हैं, तो वो
मतलब नुकसान तो नुकसान ही है देखो हर किसी का, क्योंकि बहुत पूरे टाइम मेहनत करके आते हैं, कुछ खुद करते हैं, कुछ करवाते हैं, जैसे बटाई वगैरह पे करवा लेते हैं, कोई लगान पे देते हैं, तो मतलब नुकसान तो नुकसान ही है, सभी का नुकसान है उसमें। तो मौसम ना सही नहीं है ये, और सबसे ज़्यादा कि बीमारियां फैला रहा है मौसम, क्योंकि ये बदलता टाइम होता है ना, जैसे मौसम चेंज होता है कि भाई मौसम बदल रहा है, ये उसमें इस तरह की हो जाती हैं। और बच्चों के लिए तो खासकर बहुत ध्यान रखें आजकल, एक तो फ्रिज वगैरह का पानी और ये सब हमारा भी बंद करा हुआ रखा है, तो बच्चों का बस बहुत ध्यान रखना है आजकल। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी और मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और कमेंट ज़रूर करा करिए, कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक भी करा करिए। तो चलिए फिर, बाय बाय।